नीतीश राज में अपराधी बेलगाम तो हो ही गए हैं, अब भू माफियों ने भी नीतीश के नाक में दम कर रखा है। बिहार में लगातार भूमि विवाद के मामले सामने आते रहते हैं, जिसमें कईयों की जान भी चली जाती है। कुछ इसी तरह का मामला पटना से आया है, जहां पटना सदर के पुनाडी पंचायत में लगभग 96 डिसमिल जमीन को लेकर भू माफियों के खिलाफ पूरा का पूरा पंचायत आ गया है और खिलाफ में विरोध के स्वर भी उठाना शुरू हो गया है। हालांकि आज इसके लिए आज पंचायत के लोगों ने भू माफियों के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि पटना में भू माफियों का एक सिंडिकेट काम कर रहा है, जो दूसरे की जमीनों पर अपनी गलत निगाह डाले रहता है और मौका मिलते ही जमीनों पर अपना दावा पेश कर देता है। मामला दीदारगंज थाना क्षेत्र के कसारा मोजा सलेरपुर केसर का है, जहां चुल्हाई राम पत्नी धनकुबर देवी, जिनका कोई भी वंश नहीं था, पति के मरने उपरांत पत्नी धनकुबर देवी ने जमीन बेच दी। लेकिन अब गणेश प्रसाद अपने आप को चुल्हाई राम का पोता बनकर गलत दस्तावेज बनाकर जमीन पर दावेदारी कर दिया है, जिसके बाद पूरा का पूरा पंचायत इसके खिलाफ में आ गया है। पंचायत के लोगों का कहना है कि भू माफिया फर्जी दस्तावेज और चुल्हाई राम का फर्जी पोता बनकर जमीन पर दावा कर रहा है, जिसका सभी पंचायत के लोग सहित सभी जनप्रतिनिधि विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर अंचल अधिकारी को आवेदन दिया गया है, जिसकी जांच की बात का आश्वासन मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि समाज की जमीन किसी फर्जी लोगों के हाथ में नहीं जाने देंगे, इसके विरोध में पूरा पंचायत आ गया है। ना कोई वंश है, ना कोई वंश है, ना बेटा है ना बेटी है उसका, फिर उसका कौन पोता बन करके आ गया, गणेश राम है कि का है उस, मतलब मजिस्ट्रेट बहाल करके मतलब बार बार जमीन पे चढ़ाई कर देता है। और जबकि यहाँ का पूरा कसारा वासियों का कहना है कि यहाँ पे उसका कोई औलाद नहीं है, यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी ने अपना मोहर साइन दिया है, यहाँ के आम जनता भी, कसारा वासी भी, 50 से 100 आदमी सब साइन दिए, पूरा एक एक घर से साइन देने के लिए तैयार है। सबसे पहला सवाल तो चुल्हाई राम है कौन? चुल्हाई राम यहाँ के जमींदार थे कसारा के, और उनका कोई औलाद नहीं है। इस गांव के जो भी बुजुर्ग लोग हैं सभी बोल रहे हैं कि यहाँ उनका कोई औलाद नहीं था, फिर उसका पोता बन करके माफियागिरी कर रहा है, इसमें पूरा प्रशासन का भी मिली भगत है। अच्छा, इसके लिए कहीं पर गए हैं आप? हम यहाँ से गए, अंचल में गए थे, सीओ साहब के यहाँ सारा पेपर लेकर के उनके यहाँ दिए भी 15 तारीख को, फिर भी वहाँ बोले कि अभी हम लोग इस पे जांच कर रहे हैं, लेकिन जांच क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अभी तो कुछ समझ में नहीं आया। माफियागिरी कौन कर रहा है, कहाँ से उसका औलाद आया, इस पे प्रशासन को जांच करना चाहिए ना, ये जांच का विषय है। वो माफिया जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, उसके तरफ से कोई नोटिस वगैरह भी आया है? उसके तरफ से मेरे यहाँ नोटिस आया था, उसका पोता बन के गणेश राम और उसका अपर पोता बना था सुकेश कुमार, लेकिन उसका कोई ओरन थी नहीं पता चलता, वो अपना एक आधार कार्ड भी नहीं दिखाता और प्रशासन भी उसके पूरे सपोर्ट में, थाना भी था, जो अभिनंदन कुमार है दीदारगंज थाना के, वही आए थे और मजिस्ट्रेट बहाल करवा लिया और पता भी नहीं चल रहा है, नोटिस भी हम लोग के घर पे नहीं आया। आप आज गांव के लोग इकट्ठे हुए इसको लेकर क्या कहेंगे फिर? गांव के लोग सभी उन्हीं के घर में ये मंदिर बना हुआ है, जो चुल्हाई राम यहाँ के जमींदार थे, उनके मरने के बाद जब उनका कोई देखने वाला नहीं था, उन्हीं के घर में ये शंकर भगवान का मंदिर बना है, जब कोई नहीं था, ये लगभग 10-12 कट्ठा का प्लॉट है ना, इसमें कोई नहीं उनका वंश था, तो इस गाँव के लिए एक मंदिर बना, एक उधर चबूतरा बना शादी विवाह के कार्यक्रम के लिए भी, मतलब गांव के सभी लोग उसका, यानी कि इस जमीन को बचाने के लिए पूरा समाज एक है, जमीन को बचाने के लिए पूरे गांव एक है, यहां पे पूरा कसारावासी टोटल सब इस पे जोर लगाए हुए हैं और सभी एक मत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर है। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, क्या कुछ मामला है? इस मामला तो हमारा याद तक अभी तक उनका कोई वंशज नहीं है, चुल्हा राम अपना वंशज नहीं है, और ऐसे भू माफिया आते जाते रहता है, इसी के चक्कर में हम लोग इस समाज मिल के इस जमीन के बचाने के लिए हम लोग चंदा करके बाउंड्री वॉल कर दिए ताकि भू माफिया इस पर कब्जा न करे। इसके बाद भी कुछ जमीन का अतिक्रमण करने के लिए बचा हुआ है, उसको सीओ साहब के यहाँ हम लोग 15 तारीख के प्रदर्शन किए, सीओ का आश्वासन मिला है कि उस पर हम जांच करेंगे। तो ऐसे में जमीन हाथ से क्या निकलता नजर आ रहा है, इसको लेकर आप क्या? हम लोग समाज मिलकर इसको रोकेंगे, हाथ से निकले नहीं, पूरा समाज एक है, पूरे समाज एक में कभी निकले नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ उमानाथ राम, पंचायत प्रतिनिधि यहाँ जिला परिषद मेरे मैडम है।